जो कैंडिडेट बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो कैंडिडेट बीएड करके गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ क्लैरिटी ये नहीं होती कि उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सिंपल इस आंसर तो ये है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन वही है जो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल कर दे, उसके क्राइटेरियाज रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं फुलफिल कर दे। लेकिन एक फैक्टर नहीं है, देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज व्हाई दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फैक्टर। सीधा आंसर दे देना बड़ा आसान नहीं होगा। कारण क्या है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ कॉग्निटिव फैक्टर है और कुछ यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में बात करेंगे, उन सभी फैक्टर को एनालाइज करेंगे और आप अपने केस के मुताबिक अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन इन अकॉर्डेंस विद योर पर्सनल प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो। ये जो फैक्टर मैंने एनलिस्ट किए हैं वो सबसे पहले ये साइंस में जो सब्जेक्ट जनरली लिस्ट दी जाती है जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हुए होने चाहिए, इनमें मैंने वो सब्जेक्ट भी शामिल किए हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट रूल्स में, गवर्नमेंट के गजट में जो टीचर सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं वो दिए गए हैं, उनमें बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट हैं वो भी निकाल के दिए गए हैं। ये शुरुआत कहां से होती है, एनसीटीई से सबसे पहले वो सब्जेक्ट बताती है, फिर बीएड की एडमिशन करने वाली एजेंसी जो कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है उनके रूल देखने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस देखना पड़ता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने वो सेंटर की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है। नेचुरली हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा कॉम्बिनेशन ले कि हम सेंटर या स्टेट की जो पोस्ट है गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए सेलेक्ट हो जाए। तो और फैक्टर क्या है कि आपने स्कूल में टीचर लगना है, सेंटर में जाना है, सीटेट है, स्टेट टेट है, अगर स्टेट में जाना है ना, जॉब सिलेक्शन टेस्ट है, उसके बाद चैलेंज वो भी है। अच्छा, लेवल आप किस पर जाना चाहते हो ये भी एक आपकी प्रेफरेंस है। ये सारी प्रेफरेंसेस देखी जाएगी। आप टीजीटी बनना चाहते हो, पीजीटी बनना चाहते हो, टीजीटी मीन सिक्स से टेंथ तक के टीचर बनना चाहते हो, जब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो जिन्होंने 10+1 और 10+2 को टीच करना है, ये भी याद रखना है कि 10+2, 1+2 को टीच करने वाले इन क्लासेस के लिए को टीच नहीं कर सकते, जो इनके लिए एलिजिबल जाए ये इस पोस्ट पर लगे हैं तो वो इनको टीच नहीं करेंगे, ये बाय रूल है। नेचुरली जो इनको टीच करेंगे वो इनको नहीं कर सकते। हाँ, इन एडिशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी सब्जेक्ट में, आप इसके लिए एलिजिबल हो और वो सब्जेक्ट आपने बीएड में भी पढ़ा है तो आप पीजीटी के लिए हो सकते हैं। इसको सभी को एनालाइज करेंगे। और फैक्टर क्या है, आपका इंटरेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें करना चाहते हो या की हुई है। नेक्स्ट, आपका एप्टीट्यूड क्या है या मार्क्स किसमें सबसे ज्यादा आते हैं, किस सब्जेक्ट में। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो या प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, किस स्कूल में चाहते हो, सेंटर के स्टेट में किस में, क्योंकि सेंटर के स्कूल में आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में है, कई बार है कि डिस्टेंस से दूर, अपने घर से दूर जाना पड़ता है, वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, स्टेट के जो रूल है हर स्टेट के वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, कई स्टेट्स में तो 50% एलिजिबिलिटी है, किसी में 55% एलिजिबिलिटी है। नेचुरली अपनी स्टेट के रूल्स गवर्नमेंट जॉब के उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले कि बीएससी जब करते हैं, साइंस के सब्जेक्ट है, चार मेजर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अच्छा, यहाँ और फैक्टर भी इंडिकेट किए हैं, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है कि हर साल जॉब निकालती है किसी स्टेट की, और एक है कि 5 साल बाद। दूसरा, यूनिवर्सिटी के ही रिलैक्सेशन देती है बीएड में, वो जो आपका नुकसान होता है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, ये कंसिडर करना होता है। ठीक, आपकी प्रेफरेंस क्या है, पर्सनल प्रेफरेंस सब्जेक्ट की क्या है। अब ये देख लें कि साइंस वालों ने क्या पढ़ा हुआ होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये मेन सब्जेक्ट बीएससी में आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन और सब्जेक्ट भी अगर आपने साइंस में इनमें से पढ़े हुए हैं तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की, मैंने पंजाब गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं बीएससी मेडिकल और बीएससी नॉन मेडिकल के, उनको साथ में यहाँ एनलिस्ट कर दिया गया है। उसके अलावा ये कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फूड साइंस है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है। अच्छा, एनी इक्वलेंट डिग्री, ये भी लिखा है, प्रोवाइडेड के इक्वलेंट डिग्री
का सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना होता है, वो यूजीसी ने कोई गाइडलाइन दी हुई है कि ये बीएससी के इक्विवेलेंट है जहां साइंस सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट, फिजिक्स के इक्विवेलेंट है, वो आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। ये तो बात हो गई नंबर वन। नेक्स्ट एक फैक्टर है कि बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीटीई रूल आपने मिनिमम दो सब्जेक्ट, पेडागॉजिकल सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। एक सब्जेक्ट को कहते हैं मेजर सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं माइनर सब्जेक्ट। इनकी जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अगर आपने समझना है, लगभग 13-14-15 के करीब मैंने डिफरेंस एनलिस्ट किए हैं। डिफरेंट वीडियो है, वो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप मेजर और माइनर का डिफरेंस को समझ सकते हैं। काफी एलैबोरेटेड वीडियो है। अच्छा, अब बीएससी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कौन सा मेजर रखना है, कौन सा माइनर रखना है, क्या उनके लिए डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। हाँ, ये बात क्लियर है कि हमने सब कुछ बीएड में जो भी कॉम्बिनेशन लेना है किसके लिए लेना है, कि जॉब मिल जाए। ये बात पहले हो चुकी है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा चैलेंज है, प्राइवेट के लिए नहीं है। फर्दर आपका डिसीजन सेंटर और स्टेट का है। सेंटर का है तो सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, स्टेट का है तो एसटेट क्लियर करने पड़ेगा, उसके बाद जॉब सिलेक्शन टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। फर्दर आप डिसाइड करते हो कि आपने 8th तक के टीचर लगना है, टेंथ तक के टीजीटी और या पीजीटी, ये बात भी पीछे हो चुकी है। अच्छा, अब ये देख ले कि जनरली गवर्नमेंट के रूल क्या होते हैं। मैंने यहाँ बेशक पंजाब गवर्नमेंट की एग्जांपल दी है, आप इंडिया की किसी स्टेट की एग्जांपल ले सकते हो। कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट का गजट है, मैं आगे चल के दिखाता हूं आपको, वो यूजीसी की गाइडलाइन, एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक ही इन्होंने जो रूल तैयार करने होते हैं। एनसीटी या यूजीसी जो मिनिमम देते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो टीचर्स की, है ना, तो उससे कम कोई भी स्टेट नहीं जा सकती। तो पंजाब मेरे ख्याल से थोड़ा आगे है, क्योंकि इसने 55% ग्रेजुएशन में मार्क्स एलिजिबिलिटी रखी हुई है। सो इसको आप क्राइटेरिया समझ के इंडिया के किसी भी स्टेट की टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए समझ सकते हो। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साइंस टीचर के लिए, ग्रेजुएशन बीएससी में, बीएससी जो की हुई है उसमें से आपको जॉब के लिए 55%। यहां ये बता दूं, कई स्टेट में 50 भी हो सकता है, दैट इज व्हाई ये डिपेंड करेगा। और सेंटर के रूल भी हो सकते हैं, सेंटर में 50% है। दूसरा, ये जो आपने ग्रेजुएशन की हो वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कौन सी हो, जो यूजीसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ये बात हो गई, दो बातें हो गई। अच्छा, सब्जेक्ट स्टडी किए कितने होने चाहिए। आपने अगर साइंस का कॉम्बिनेशन लेना है, साइंस का कॉम्बिनेशन आगे चल के क्लियर करता हूं, कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपने स्टडी किए होने चाहिए ग्रेजुएशन में। वो 2 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, जो शुरू में बता के आया हूं ना, उनमें 4 तो कॉमन है जो बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल में हम पढ़ते हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वो कौन सी लिस्ट है, वही लिस्ट है क्या, ये वेरी करती है। जैसे सोशल साइंस की ज्यादा वेरी करती थी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन साइंस की ज्यादा वेरी नहीं करती। एनसीटी ने जो लिस्ट दी हुई है, हाँ, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और बीएड एडमिशन एजेंसी ने, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो जो मैंने सब्जेक्ट दिए हैं, इससे कुछ अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं आपकी स्टेट के, लेकिन ये सब्जेक्ट बेसिकली सभी ने शामिल किए हैं। दैट इज व्हाई साइंस स्ट्रीम में बीएड के बेस्ट कॉम्बिनेशन को समझना थोड़ा इजी होगा। अच्छा, पीरियड ऑफ सब्जेक्ट स्टडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपने जो साइंस पढ़ी है 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी की। तो 3 साल किसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन में, है ना। बेशक हमारी एंट्री पीजी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 2 साल पढ़ी है तो एज ए मेजर सब्जेक्ट वो मिल जाता है, लेकिन यहां क्लियर कर दूं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब टीजीटी टीचर आपने लगना है, टीजीटी, है ना, 10th तक वाले टीचर लगना है, तो 3 साल आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेशक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, फिर भी वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आप खाते हैं हम सब, ठीक। अच्छा, बीएड में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में पेडागॉजी ऑफ साइंस आपने पढ़ी हुई हो,
ठीक। तो इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के पीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, नेचुरली है कि आपकी उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। फॉर एग्जांपल आप लाइफ साइंस के बनना चाहते हो टीचर, है ना, 10+1-2 को पढ़ाना चाहते हो, या आप फिजिकल साइंस के बनना चाहते हो फिजिक्स के बेस पर, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट चाहिए। उसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा, यहाँ पीजीटी की ज्यादा बात होगी। ये भी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए, जो टीचिंग ऑफ साइंस का सब्जेक्ट है उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी है उनमें से आपने पढ़े हुए होने चाहिए और बीएड में उनके अनुसार कॉम्बिनेशन मिला हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टीचिंग एक्सपीरियंस, जिनकी प्रमोशन होनी है ये यहाँ बात नहीं करेंगे, वैसे 5 ईयर चाहिए और रेगुलर एक्सपीरियंस आपका चाहिए और बाकी क्वालिफिकेशन उनको भी प्रमोशन के लिए सेम चाहिए। ये बात यहाँ बता दूं कि 25% जो पोस्ट होती है खाली, मान लीजिए 100 पोस्ट खाली हुई है गवर्नमेंट की, तो 25% को प्रमोट कर दिया जाता है, 75% की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। आप इनके लिए फाइट करते हो, ये हम बात इनके लिए कर रहे हैं। 75 क्या है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये डिपेंड करता है केस पर। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं कॉमन बताऊंगा, वो क्या होगा कि आप गवर्नमेंट रूल्स जो जॉब के हैं वो फिलफिल करते हो कि मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट हैं, 2 के 2 पेडागॉजिकल सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओ गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी किस जॉब की होती है उसके अनुसार। इसके अलावा आप टीजीटी बनना चाहते हो, आपका एक फैक्टर हो सकता है जब पीजीटी के टीचर बनना चाहते हो, ये अलग बात है कि आप आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है क्योंकि ये पॉसिबल है, कई बार बीएससी साइंस के स्टूडेंट एमए इंग्लिश कर रहे होते हैं, इट मींस आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई और बन जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें करना चाहते हो, किसमें, ये सारे केस जो शुरू में डिस्कस किए हैं उसके अनुसार बेस्ट होगा। लेकिन इनके बिना आपको बेस्ट पहले बता दूं कि क्या होता है। ये एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं बीएससी मेडिकल की। मेडिकल में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी। जो फिजिक्स का इक्वल टू बन जाता है, फिजिकल साइंस बन जाता है स्कूल सब्जेक्ट, और जो पोस्ट निकलती है जहां बायोलॉजी का लाइफ साइंस बन जाता है। अब आप अगर मोस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब की देखनी हो तो आपके लिए बन रहा है के टीजीटी टीचर की। टीजीटी टीचर क्या था, पीछे बात करके आए हैं, 6th से 10th तक के लिए आप टीचर बनना चाहते हो। क्या है कि जॉब अवेलेबिलिटी मैक्सिमम पोस्ट इसकी निकलती है, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, आपको चाहिए साइंस। ये रहा, यहां लिखने लगा हूं मैं साइंस। फॉर एग्जाम्पल आप एक सब्जेक्ट आपका हो गया पेडागोजी ऑफ ये साइंस, कॉमन लिख रहा हूं बड़ा करके, इसलिए क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट के लिए पहली डेफिनेशन बेस्ट के लिए साइंस है। मीन क्या बना, पेडागोजी ऑफ साइंस। पेडागोजी ऑफ साइंस कैसे बनता है, कितने कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलके बन गया ये वाला साइंस, और उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन दूसरा, ये बन गया मेजर सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट बन गया आपका लाइफ साइंस। मतलब फर्स्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन या 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, वो सबसे पहले है, फर्स्ट रैंक पर आ गए, पेडागोजी ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंस, ये आपका बेस्ट बन गया मेडिकल वालों के लिए। क्योंकि जब आपने मेडिकल चूज किया था, नेचुरली है कि आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में, मैथ से ज्यादा बायोलॉजी में था, तो दैट इज वाई सेकेंड वो आप ऑप्शन ले रहे हो, और आपकी प्रोबेबिलिटी ये रह सकती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करो, ठीक है, वो बात का फैक्टर है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें करते हो। अगर आप ये चाहते हो, ये दिस इसको अंडरलाइन कर ले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये लगता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ साइंस की करनी है, तो आप साइंस और लाइफ साइंस का कॉम्बिनेशन लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट लाइफ साइंस में ज्यादा है, 10+1-2 में ज्यादा है, उसके कंटेंट को बेटर टीच कर सकते हो, ऐसा भी अगर आप सोचते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए साइंस के साथ, साइंस तो पक्का पहला हो गया ना, नंबर 1 हो गया, साइंस के साथ मेरा इंटरेस्ट जो बायोलॉजी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें जो कम है, मेरा फिजिकल है साइंस में ज्यादा है,
तो क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री और बायो के साथ बन गया आपका साइंस है ना, तो दूसरा बन गया आपका फिजिकल साइंस, मेजर सब्जेक्ट आपका हो गया साइंस पेडागॉजी ऑफ साइंस और माइनर हो गया आपका फिजिकल साइंस। ये किसके लिए बेटर है, अगर आप आगे चल के फिजिक्स की एमएससी करना चाहते हो तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे इसलिए बेस्ट हैं। कारण क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आपने ये भी तीन साल गवर्नमेंट जॉब में पढ़े हुए होने चाहिए ना, ये भी 3 साल पढ़ा है, ये भी 3 साल पढ़ा है, इट मींस एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप और कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन टीजीटी के लिए ये दो बेस्ट कॉम्बिनेशन। प्रोस्पेक्टस में जहां जो एजेंसी बीएड की करती है एडमिशन है ना, वो एनसीटी रूल, ये रूल के मुताबिक है, ये जो कॉम्बिनेशन बीएससी मेडिकल को दिए जाते हैं, 6 कॉम्बिनेशन है टोटल। मैंने कौन सा सुजेस्ट किया, मैंने सेकेंड वाला आपको, ये साइंस और लाइफ साइंस ये नंबर 1 पर है, उसके लिए जिसको लाइफ साइंस में जिसने पीजी करने की सोची है, जो लाइफ साइंस में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मेडिकल हो, ये बात मैं बता चुका हूं। दूसरा इसके इक्विवेलेंट है, फर्स्ट लाइन पर रखा जा सकता है साइंस एंड फिजिकल साइंस, अगर आप पीजी इसकी करना चाहती हो, ये दो बातें होगी, ये दो बात। अब तीसरे कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, साइंस और लैंग्वेज का बनता है, लाइफ साइंस और लैंग्वेज का बनता है। अब लैंग्वेज में आप तब जाओगे, ये देखिए अब आपके लिए बेस्ट, ये आपको चूज करना है कि क्या आप फ्यूचर में ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एमए इंग्लिश करना चाहता हूं, क्योंकि मोस्टली एमए जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं बाद में इंग्लिश करते हैं। हाँ, जब मदर टंग की कोई कर रहे हैं कि अपने मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा तो ये इंटरेस्ट उसमें बन गया, बहुत कम केस ऐसे होंगे। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप इंग्लिश में रुझान रखते हो और आपका जी चाह रहा है कि मैं एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए तेलुगु, एमए मलयालम, एमए गुजराती, पंजाबी इसमें करनी है, तो आप साइंस और वो लैंग्वेज जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो उस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आप लोगे, ये सेकंड हो गई प्रेफरेंस। अगर आपका कारण क्या है, इसको दूसरे उसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें साइंस पहले आपका टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो, जिसकी जॉब सबसे ज्यादा निकल रही है, मैंने साइंस को मेंटेन रखा है। अच्छा, बेस्ट की डेफिनेशन में आप देख सकते हो अब कि बेस्ट की डेफिनेशन में फर्स्ट है, मैंने साइंस को नहीं छोड़ा, यहां पर साइंस को नहीं छोड़ा, सोशल साइंस की डेफिनेशन में क्या था, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो था सोशल स्टडी को नहीं छोड़ रहा था वैसे, है ना। तो अब हमारे पास बचे हैं कि ये सेकंड है, लेकिन केस बेस्ड सेकंड है। तीसरा, जिन अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आप यार चाहते ही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये 3 सब्जेक्ट आपको 10th टीजीटी के लिए बेस्ट बन रहे हैं, लेकिन पीजीटी के लिए आपको लगता है यार मैं लाइफ लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता, मैं लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता, तो लेकिन मैं टीजीटी के लिए से बेटर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता हूं, ये बहुत कम केस है, बहुत कम केस होंगे। टीजीटी के लिए जॉब अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, अगर वो 1000 निकलती है ना पोस्ट टीजीटी की उसके मुकाबले में 10 to 20 निकलेगी, फर्क है, लेकिन इसका स्केल भी ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें आपके मेरे ख्याल में वर्कलोड का भी डिफरेंस होगा, ये डिफरेंट वीडियो मिलेगा, पीजीटी टीजीटी के डिफरेंस क्या होते हैं वो बना दूंगा। अब ये देख लीजिए कि अगर आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं है और आप पीजीटी का सोच रहे हो या कर चुके हो कोई पीजीटी, तो आपके लिए 4th नंबर लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों ही पीजीटी के लिए एक भी एलिजिबिलिटी इसमें से स्कूल 10th तक की नहीं बन रही, दैट इज वाई इसको हम 3rd रैंक अगले रैंक पर लेके जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे कमजोर रैंक जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो क्यों ऑप्ट करोगे, उनके लिए भी बेस्ट सोचना है। अगर उन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन में जो साइंस सब्जेक्ट किया है कि उन्होंने कम से कम 2 साइंसेस पढ़ी नहीं है,
ये जो शुरू में मैं बता के आया था ना, इनमें से उन्होंने जो कैंडिडेट जिन्होंने इनमें से कोई साइंस दो नहीं पढ़ी, एक पढ़ी है, जैसे एसएसटी वालों के लिए प्रॉब्लम थी, अगर वो कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल किसी ने फिजिक्स पढ़ी है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, या फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस पढ़ी है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है थर्ड वाली, तो वो क्या करेंगे, वो फोर्थ ये हो गया था, तो वो उनके पास एक ही एलिजिबिलिटी बच रही है, बायो पढ़ी है, लाइफ साइंस बच रहा है, तो अब ये पीजीटी के लिए बचा, बेस्ट से चल रहे थे, फर्स्ट रैंक पर क्या था, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब लैंग्वेज मान लीजिए उन्होंने जनरल इंग्लिश पढ़ी हुई है जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, जब गवर्नमेंट जॉब के लिए लैंग्वेज के लिए बीएससी के कैंडिडेट जाएंगे तो वो नॉट एलिजिबल ही होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल या इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ा हुआ है। दूसरा, क्या उन्होंने 3 साल पढ़ा हुआ है? तीसरा, कि क्या उन्होंने फुल पेपर जनरल इंग्लिश में, जैसे एक ही पेपर होता है हर साल, तो इलेक्टिव में दो दो पेपर मिनिमम होते हैं ना, तो दैट इज व्हाई कि लैंग्वेज में आप एलिजिबल नहीं होगे। लैंग्वेज में आप लेते हो, ये केस सबसे पीछे क्यों आ रहा है कि एक तो इनको लाइफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हर हालत में करनी होगी, दो तब एलिजिबल होंगे, अगर की हुई है तो लाइफ साइंस बीएड के बाद फिर वो एलिजिबल है। तो ये लैंग्वेज वालों के लिए इनको ग्रेजुएशन में लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश ली है या हिंदी ली है ना, गुजराती ली है, तो लैंग्वेज के लिए इनको ग्रेजुएशन में एडिशनल 3 साल का 3 ईयर का पेपर पहले देना, तो वो एलिजिबल बनेंगे लैंग्वेज के टीचर के लिए। इट मींस ये वीक चल रहा है। ऐसे ही सेम अगर आपके पास, तो बायो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फिजिकल साइंस या फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपका ये सारा केस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि इसके बाद आपको इसमें पीजीटी भी करनी पड़ेगी और लैंग्वेज ली है तो 3 साल ग्रेजुएशन में एडिशनल पेपर, 3 साल के, 1 महीने में ही हो जाते हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, लेकिन टाइम तो लगता है ना, 1 साल या सेमेस्टर तो लग जाता है ना, दैट इज वाई उससे पहले जॉब निकल आती है तो नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या था कि जब आप साइंस और लाइफ साइंस या साइंस और फिजिकल साइंस, यहाँ इसको बेस्ट लिख दो, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने कहा था, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया, तो ये आप 3 साल पढ़े हैं सब कुछ है ना, तो आपके 55% मार्क्स हैं, अगर 50 है किसी स्टेट में तो अकॉर्डिंगली आप बीएड करने के एकदम बाद ही आप एलिजिबल हो, आप जॉब में एंट्री कर सकते हो, आपकी गवर्नमेंट अगर पोस्ट हर साल निकालती हो तो आपको इसको ही हर साल में प्रेफर करना चाहिए। So the best combination, rank 1, science, life science, science, physical science, second number पर फिर भी according to preferences, ये सीधे answer नहीं है, पिछले वीडियो में जो बात करी है उसको importance देनी है। दूसरे rank पर आपका science और language हो सकता है क्योंकि science यहाँ पर PGT है। तीसरे rank पर life science and physical science दोनों PGT है। Last rank पर life science language, फिजिकल साइंस लैंग्वेज, तो ये सबसे कम ऑप्ट करने चाहिए, लेकिन जो मजबूर है उनको करने पड़ेंगे। जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की यहां बात कर रहा हूं, उनको अपने साइंस सब्जेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए, अंटिल और अनलेस, मुझे नहीं पता अंटिल आना है कि अनलेस आना है अभी, कि उनका किसी लैंग्वेज में इनसे ज्यादा मोर इंटरेस्ट, ये समझ लेना, मोर इंटरेस्ट इसमें अगर नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, ये इंग्लिश ही नहीं है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगला हो सकती है, मणिपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अगर आपका इंटरेस्ट इससे ज्यादा इसमें है, आप इसको ज्यादा एंजॉय करते हो, आप इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करनी है, तो आप नेचुरली है कि इसके साथ लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आप लोगे, अदरवाइज मोस्ट जॉब अवेलेबिलिटी के अनुसार आपने इन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। बेशक इनका कॉम्बिनेशन बन के साइंस बन के ये बन जाए फिजिक्स, बेशक इनका बन के और लाइफ साइंस बन जाए, ये बेस्ट हो गया। अच्छा, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसका एविडेंस देने के लिए, ये पंजाब गवर्नमेंट का गजट है जिसमें रूल्स या नॉर्म्स बताए गए हैं कि
पीजीटी टीचर, साइंस मास्टर और मिस्टर्स मेडिकल स्ट्रीम के जो हैं उनके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन सबसे पहले ये बताई गई है, शुड हैव पास्ट बीएससी एट लीस्ट, ये बात बताया हूं मैं, है ना, 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, दूसरा पॉइंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, है ना, तीसरा और एनी इंस्टीट्यूट विद एनी टू सब्जेक्ट एटलीस्ट 55% मार्क्स, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट विद एनी ऑफ टू सब्जेक्ट्स, आपने पढ़े वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ये गवर्नमेंट के रूल है, वो टू सब्जेक्ट कौन से हैं लिस्ट में मैंने वहां भी बताए हैं, यहाँ आप उस डॉक्यूमेंट को देख लो, इसलिए जरूरी है, फर्स्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बीएससी ऑनर इन आइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, ओके, बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर, बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायोफिजिक्स और बीएससी बायोकेमिस्ट्री और बीएससी माइक्रोबल फूड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बीएससी फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी माइक्रोबल फूड टेक्नोलॉजी, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी should be given by the concerned university as per guideline of university grant commission. Next, क्या है? Should have passed B.Ed from recognized university, NCT or university recognition होनी चाहिए, institution with the pedagogy of science. इसी की बात करेंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है, that is why best combination इसलिए है क्योंकि जो जॉब है उसने अपने पेडागोजी ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब हम समझे कि जो बीएससी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उन्होंने भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और मैथ्स पढ़ा हुआ है, मोस्ट नॉर्मल बीएससी नॉन मेडिकल का जो बनता है ग्रुप ये बनता है, पर क्योंकि और जनरली कंप्यूटर साइंस को भी कई बार ऐड किया जाता है, मीन किसी बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, मैथ्स पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन की वेरिएशन बीएससी मेडिकल से ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले वो देख लेते हैं, हाँ साथ में इन सब्जेक्ट के तीन सब्जेक्ट इधर जो मेन सब्जेक्ट है और लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, ये किस यूनिवर्सिटी में किस स्टेट पे आप पढ़ रहे हो उसके मुताबिक हो सकता है, जनरली जनरल इंग्लिश जहां हिंदी जहां आपकी लोकल लैंग्वेज इनमें से तीन में से कोई दो लैंग्वेज होती है, किसी केस में हो ये भी हो सकता है कि ये लैंग्वेज कई यूनिवर्सिटी नहीं करवाते सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही टीच करवाते हैं, तो वहां वेरिएशन हो सकती है। हमें ये देखना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अब क्या बनती है जो इनके मुताबिक चार सब्जेक्ट के मुताबिक। अब देखिए यहां पर छह सब्जेक्ट थे जो बीएससी मेडिकल के थे और यहां पर क्योंकि एक सब्जेक्ट का एंट्री बढ़ गई है वो क्या है कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एजुकेशन है, तो इसके नौ कॉम्बिनेशन। अब नेचुरली है कि यहाँ पर ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है क्योंकि वैरायटी ज्यादा। अब डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस स्ट्रीम के हो, क्या आपने अगर आपने फिजिक्स या फिजिकल साइंस मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आपका क्लियर एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दोनों के बेस पर, आपका बन गया साइंस पेडागोजी ऑफ साइंस, इधर लिख लेंगे इसको यहां करके पेडागोजी ऑफ साइंस, और उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन मैथ्स का है। कारण क्या है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये भी आपने अगर तीन साल पढ़ा है तो ये भी टीजीटी के लिए यानी टेंथ क्लास तक के लिए एलिजिबिलिटी बन रही है और ये भी टेंथ क्लास तक की एलिजिबिलिटी बन रही है, और सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबिलिटी इन साइंस की है मैथ्स की है एज कंपेयर टू पीजीटी सब्जेक्ट जो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, आपने बीएससी नॉन मेडिकल जब स्ट्रीम चूज की है दैट इज वाई आप बायोलॉजी से मैथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, दैट इज वाई मैथ आपकी प्रेफरेंस रही होगी,
लेकिन अब आपने पूछना है कि ये प्रेफरेंस आपकी सोशल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, जहां पेरेंटल प्रेशर, जहां पीयर प्रेशर की के कारण थी, जहां लॉजिकल थी। अगर मैथ्स आपने लॉजिकली सिलेक्ट किया था कि यार मैं मैथ को एंजॉय करता हूं और मैं इसको टीच करना चाहता हूं, इसको लर्न करना चाहता हूं, तो आपके लिए साइंस एंड मैथ नंबर वन बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है बीएससी नॉन मेडिकल के। अगर आप अच्छा अब बात कर लें, ये तो बात हुई थी कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, अगर किसी ने फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस ये पढ़ा हुआ है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो ये कंप्यूटर थोड़ा वीक इसलिए गिना जाता है कि अब तक नॉर्म्स में कंप्यूटर साइंस बीएड, कंप्यूटर साइंस के इंस्ट्रक्टर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बदल सकता है, सब कुछ बदल जाएगा, दैट इज वाई इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। अच्छा अब फिजिक्स और मैथ्स और कंप्यूटर के साथ आप बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या बनेगा? मैथ्स को नहीं आपने छोड़ना, कारण क्या है, पहले आप जान चुके हैं एंथ तक टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है, नेचुरली है आपका इंटरेस्ट था इसलिए मैथ लिया था, ये बेस्ट आपका बन रहा है। इसके बाद आपने इसके साथ फिजिकल साइंस लेनी है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो देखना पड़ेगा कि आपको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स की करना चाहते हो या कंप्यूटर साइंस की करना चाहते हो? अगर कंप्यूटर साइंस की करना चाहते हो तो मैथ कंप्यूटर साइंस, अगर फिजिकल साइंस की करना चाहते हो तो मैथ्स फिजिकल साइंस आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में आपका एक और कॉम्बिनेशन बनता है जो वीक ही गिना जाएगा, कंप्यूटर साइंस के साथ कोई भी लैंग्वेज, आप इंग्लिश ले रहे हो, ओरिजिनल लैंग्वेज पंजाबी ले रहे हो, गुजराती ले रहे हो, आप जिस भी आपका ग्रेजुएशन में जो पढ़ी हुई है हिंदी ले रहे हो, है ना, तो कंप्यूटर साइंस सिक्स कूल सब्जेक्ट है, ये इसकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। लेकिन इसकी जॉब बिना बीएड वालों, जिन्होंने बीएड में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा वो भी एलिजिबल है, ये बदल जाएगी ये होप करते हैं, दैट इज वाई कंप्यूटर साइंस और लैंग्वेज वाला थोड़ा वीक गिना जाएगा। इससे बेटर है कंप्यूटर साइंस मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है तो आप मैथ्स को मत छोड़िए। तो इसके हिसाब से आप रैंक कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन बेस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, आपके केस बेस्ड है, अपने केस के मुताबिक देखिए। हाँ, शुरू में जब मैं फर्स्ट रैंक पर लाया हूं वो मोस्ट कॉमन बेस्ट गिना जा सकता है, अगर आपकी कोई बायसनेस टीजीटी ये की नहीं है तो आप वो टीजीटी के लिए दोनों सब्जेक्ट मेजर है ना और माइनर दोनों के लिए एलिजिबल हुई है तो वो आप चूज कीजिए, उसको आप प्रेफर कीजिए। अच्छा, इसके बिना आपको गवर्नमेंट के रूल यहां भी दिखा देता हूं कि शुड हैव बीएससी, ये नॉन मेडिकल के लिए है साइंस स्ट्रीम, अगर साइंस के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा नंबर इंस्टीट्यूट विद टू साइंस सब्जेक्ट, कौन से होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और शुड हैव पास्ड बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथ्स और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, तो इक्विवेलेंसी का जो सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन, बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी शुड बी गिवन बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी जहां से आपने ग्रेजुएशन की है एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शुड हैव पास्ड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनसीटीई और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन चाहिए, विद साइंस एज वन ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपने सब्जेक्ट चॉइस करनी है, आपने किसी और को गाइड करना है, तो दो बातों, दो फैक्टर का मैक्सिमम ध्यान रखना है, वो क्या है, एक तो इंटरेस्ट और एक एप्टीट्यूड। फिल्म आपने देखी होगी थ्री इडियट्स, है ना, इन दोनों फैक्टर्स की बात होती है। इंटरेस्ट क्या है कि आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा एंजॉय करते हो, बीएससी की यहां बात कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास मैथ्स है, है ना, साइंस है, फिजिकल साइंस है, अच्छा लैंग्वेज आप कोई हो सकती हो ना, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है, व्हाट एवर सब्जेक्ट इज, दो क्वेश्चन अपने आप से ये पूछने हैं आपने, ये रहा मैं कि
मैंने ये पूछना है यार, मैं सबसे ज्यादा अपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं किसको सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ, हाई एंजॉय किसको करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर उसका नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि मैं सबसे ज्यादा लर्न जल्दी किसमें करता हूँ, सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किसमें करता हूँ। नेचुरली आप ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट 1, 2, 3 है ना, मान लीजिए तो एक में आपके 79% है, दूसरे में आपके 65% है, तीसरे में आपके 61% है, तो इसमें आपका एप्टीट्यूड जो है हाई हुआ। तो अगर मान लीजिए वो भी मैथ्स है तो ये मैथ्स हो गया, इट मीन मैथ्स आपका वो एरिया हो गया जिसका इंटरेस्ट भी आपका हाई है और एप्टीट्यूड भी हाई है। जब बेस्ट आप कह रहे हो विच इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, अपने आप से अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हो। दूसरी बात, अच्छा इसको इलेबोरेट करना है, लो वाला भी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार फिजिकल जो साइंस है वो मेरा जो इंटरेस्ट उसमें लो है, ठीक। तो इसके अलावा आप ये रख सकते हो कि लो एप्टीट्यूड मेरा किसमें है, हो सकता है वो फिजिकल साइंस भी हो या लाइफ साइंस हो, वट एवर इज, है ना। तो यार एक तो मेरा इंटरेस्ट भी कि इसमें नहीं है और एप्टीट्यूड भी उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ले लीजिए, उल्टा भी हो सकता है, यहां भी इंग्लिश आ सकता है। हर पर्सन का ये ग्राफ डिफरेंट बनेगा, ये ग्राफ फिल कर लो तो आपको पता चल जाएगा बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर ये है, बेस्ट वर्स्ट थर्ड रैंक पर ये है और बीच में ये है। अच्छा अगर ये आ जाए कि ये दो मेरे यार इंटरेस्ट इसमें लो है और इसमें एप्टीट्यूड लो है, लेकिन इसमें एप्टीट्यूड फिजिकल साइंस में एप्टीट्यूड लो है लेकिन इंटरेस्ट हाई है, इसमें इंटरेस्ट मेरा लो है लेकिन एप्टीट्यूड हाई है, तो चॉइस कैसे करनी है। एप्टीट्यूड हमेशा ही आपकी जॉब एंट्री के लिए, जॉब एंट्री के लिए, जैसे आपका पी टेट है, सी टेट है, जॉब सिलेक्शन टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एप्टीट्यूड ज्यादा काम आता है। इट मींस अगर आपकी प्रेफरेंस है कि यार जॉब में एंट्री करो बाद में देखेंगे, तो आपने अपने एप्टीट्यूड हाई वाले एरिया को प्रेफर करना है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा, अगर आप ये चाहते हो कि यार जॉब एंट्री नहीं जरूरी, जो 30 साल गुजार रहे हैं जॉब में वो एंजॉयफुल चाहिए, वो मैं सेटिस्फैक्ट्री चाहिए, सेटिस्फैक्शन ज्यादा, तो आपने हाई इंटरेस्ट वाले अपने सब्जेक्ट को प्रेफर करना है। इनमें दोनों में से बेस्ट जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी है कि जिसका जिसमें आपका एप्टीट्यूड भी बेस्ट है और इंटरेस्ट भी हाई है, जैसे फरहान खान वो जो 3 इडियट्स मूवी थी उसमें उसका फोटोग्राफी में बड़ा एप्टीट्यूड भी हाई था, इंटरेस्ट भी था, लेकिन इंजीनियरिंग उसको करवाई जाती है। सो ऐसे मत हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सरसाइज, पर्सनल एक्सरसाइज, यू कैन मेक योर ओन व्हाट बेस्ट इज फॉर यू। अब बीएससी होम साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, होम साइंस उनका मेजर सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी होम साइंस मेजर है, मतलब दो कॉम्बिनेशन का ऑप्शन उनको दिया गया है। अब जब ऑप्शन है तो प्रॉब्लम है, तो डिसीजन लेना है, डिसीजन मतलब कि इसको चूज करना है या साइंस को चूज करना है। ये हम पीछे लर्न करके आए हैं कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि वो सब्जेक्ट आपने अगर साइंस के आपने टीचर बनना है, ग्रेजुएशन तक आपने 2 साइंसेस पढ़ी हुई होनी चाहिए, कितने ईयर पढ़ी हुई होनी चाहिए, 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज चाहिए। तो अगर आपने होम साइंस के साथ 3-2 जो लिस्ट पीछे डिस्कस करके आए हैं साइंस के रिगार्डिंग वो पढ़ी हुई हैं, 3 साल पढ़ी हुई हैं और 2 साइंस है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फूड टेक्नोलॉजी है ना, कोई भी हो सकती है जो लिस्ट दी गई है उसमें, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आपको साइंस प्रेफर करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा साइंस में बन रहा है, इस ग्राफ को फिर फॉलो करेंगे, अगर आपका साइंस में हाई इंटरेस्ट बन रहा है, ये रहा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड ये रहा हाई, ये बन रहा है साइंस आपका ये हो गया, तो दैट इज वाई आपको साइंस प्रेफर करना चाहिए। तीसरा, साइंस की जॉब अवेलेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, होम साइंस से साइंस की जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, यहां भी साइंस आपका बेटर बन रहा है।
तीसरा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी साइंस में करना चाहते हैं, फिजिक्स है, फूड टेक्नोलॉजी सॉरी केमिस्ट्री है, जहां कोई और साइंस है, पर्टिकुलरली जो साइंसेज स्कूल लेवल पर टीच की जाती हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी है। इसके अलावा अगर साइंस यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर उड़ा दिया हमने साइंस की जगह पर, यहाँ पर किसी कैंडिडेट का, अब साइंस की प्रॉब्लम बताऊं, अगर आपको लगता है कि साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी मेरे लिए डिफिकल्ट है, है ना, बेशक जॉब अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा है, हाँ एप्टीट्यूड इंटरेस्ट आप कंसिडर कर चुके हो, अगर ये डिफिकल्टी ज्यादा लग रही है किससे, लैंग्वेज से, कोई दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी जहां आपने इंग्लिश जहां रीजनल लैंग्वेज आपने कोई ली हुई है, साइंस से ज्यादा आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड साइंस से ज्यादा उस लैंग्वेज में है, यहां फिर एग्जांपल लेके कौन सी चल रहा हूं मैं, इंग्लिश, इंग्लिश जहां कोई हिंदी जिस भी भाषा में आपका हाई इंटरेस्ट या हाई एप्टीट्यूड है एज कंपेयर टू साइंस, तो आप उस लैंग्वेज को चूज करोगे। हाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज की क्यों बनती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन नेचुरली टीचर को करनी ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अगर लगता है कि मैं इंग्लिश या हिंदी है ना जो भी लैंग्वेज आपने यूज की चूज की है उसमें इजी कर सकती हूँ एज कंपेयर टू इंग्लिश एज कंपेयर टू साइंस, को लगता है हिंदी में तो आप हिंदी चूज करोगे, अगर आपको लगता है कि यार हिंदी नहीं मैंने चूज करनी मैं इंग्लिश एज कंपेयर टू साइंस इजीली पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ और इंग्लिश में जॉब अवेलेबिलिटी भी मैं अपने रीजन की कंपेयर किया लगभग साइंस के इक्वल अगर बन रही है तो आप इंग्लिश को चूज करोगे साइंस को नहीं। नेक्स्ट है BCA BSc IT ग्रेजुएट, यहाँ दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनके, कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर विद लैंग्वेज, अब क्योंकि सी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर इनका दोनों में मेन बन रहेगा, इस पर इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, कंप्यूटर क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट बन गया कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी हम BSc नॉन मेडिकल के साथ में जो कंप्यूटर की बात करके आए हैं उनको उस पोर्शन को देख सकते हो अगर आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस रहा है। अब आप हमने ये देखना है कि हमें लैंग्वेज चूज करनी है या मैथ चूज करना है, देखिए सिंपल बात है अगर 3 साल मैथ आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कंप्यूटर मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि कंप्यूटर के साथ इसकी पोस्ट या इसकी जो अभी एलिजिबिलिटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही है लेकिन मैथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पष्ट रूल है आपके 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में से और मैथ्स पेडागोजी ऑफ मैथ्स आपने BEd में पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, और 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी तो आपको मैथ ले लेना चाहिए। इसके अलावा वो जो बात करके आए हैं ये वाला आपका एप्टीट्यूड किसमें हाई है, अगर आपका अब प्रॉब्लम है लैंग्वेज और मैथ की बात कर रहे हैं ना, कंप्यूटर हो गया है मैथ के साथ हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है हाई एप्टीट्यूड हाई इंटरेस्ट मैथ्स में है, यहां मैथ्स आता है तो मैथ्स ही ऑप्ट कीजिए, अगर लगता है कि यहां पर वो नहीं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, मान लीजिए इंग्लिश है यहां पर, इंग्लिश की इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि साइंस के स्टूडेंट इंग्लिश करते हैं मदर टंग को कम प्रेफर करते हैं, अगर वो है तो वो भी आप लिख सकते हो कि उसमें मैथ से ज्यादा एप्टीट्यूड हाई इंग्लिश में है तो मैथ्स यहां कट हो जाएगा, इंग्लिश यहां आ गई, इंटरेस्ट भी अगर इंग्लिश में ज्यादा है तो मैथ की प्लेस आप देखोगे कि यार मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मैथ में लेकिन मैं स्कोर ज्यादा कर लेता हूं, तो भी प्रोबेबिलिटी अगर जॉब एंट्री के हिसाब से करना चाहते हो क्योंकि एप्टीट्यूड जिसमें ज्यादा है मतलब लर्न ज्यादा करते हो मार्क्स ज्यादा आते हैं तो मैथ्स आपका फिर भी प्रेफर्ड एरिया बनता है ना, अगर आपका जो इंटरेस्ट लो है लेकिन एप्टीट्यूड हाई है यहां पर भी जॉब एंट्री के हिसाब से आपका मैथ्स ही बन रहा है। हाँ अगर आप अपनी खुशी को सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन को ज्यादा देखना चाहते हो तो आप मैथ को परे करके अगर इंग्लिश आता है, अगर तो यहां इंग्लिश आ गया है ना फिर तो छोड़ ही दो इंग्लिश आपकी बेस्ट हो गई। दूसरा कारण कि इंग्लिश को नीचे क्यों रखा है मैथ्स को ऊपर क्यों रखा है कि इंग्लिश को आपको एडिशनल करना पड़ेगा ग्रेजुएशन में 3 साल के
जो एग्जाम है देने पड़ेंगे, ये 6 पेपर होंगे, किसके इंग्लिश के, हाँ इलेक्टिव, क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप TGT टीचर लगना चाहते हो, फिर आप अगर पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश आपने कंप्यूटर के साथ इंग्लिश ले लिया, जहां कंप्यूटर के साथ हिंदी ले लिया है ना, और उसका एडिशनल पेपर देने के बाद आप एलिजिबल हो गए। दूसरी तरफ अगर आप मैथ्स लेते हो, तो मैथ्स आपने अगर 3 साल पढ़ा है, तो आपको इन चक्रों में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। हाँ, आप कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ्स को लेके अगर बाद में ये चाहते हो कि यार मैं इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल होना चाहता हूं, तो आप ये मैथ कंप्यूटर मैथ के साथ BEd कंप्लीट करने के बाद एडिशनल पेपर, ये वाला जो सुजेस्ट किया है, अपनी यूनिवर्सिटी यहां से ग्रेजुएशन किया वहां से आपको कर लेना चाहिए, और BEd में आप पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का एग्जाम दे दोगे, फिर आप एलिजिबल हो सकते हो। BEd करने के बाद जितने मर्जी एडिशनल पेपर दे सकते हो, टाइम लगता है उसके लिए। तो ये बना आपका BCA, BSc, IT एंड ग्रेजुएट। तीसरा फैक्टर और जो जॉब अवेलेबिलिटी का है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें करना चाहते हो और जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा किसमें है, वो भी आपको कंप्यूटर साइंस की जगह पर मैथ्स की ज्यादा दिखाई देगी। आप अपने स्टेट का कंपैरिजन डाटा का कीजिए, वो आपने वो यहाँ पर मतलब सीधा है, जिसमें जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा आ रही है उसको प्रेफर कीजिए। मतलब कंप्यूटर साइंस के साथ अगर मैथ्स आता है, जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, इन फैक्टर को आपने कंसिडर करना है कि मैंने जॉब अवेलेबिलिटी को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, इंटरेस्ट को या एप्टीट्यूड को। मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड को जॉब एंट्री के लिए और जॉब अवेलेबिलिटी के, अगर ज्यादा है जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, एप्टीट्यूड ज्यादा है, वो मैथ्स बन पाए, फिर वही बात, फिर आपका आपका मैथ्स जो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर के साथ मैथ्स है ना, प्लस हो जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में तो करना नहीं चाहते, दैट इज ऑल अबाउट कि आपको मैथ को चूज कर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे अब तक के जो टोटल फैक्टर हैं, ये फैक्टर के मुताबिक बेस्ट बनेगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बन रहे थे वो भी मैंने बता दिए हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, अलग से वीडियो आ रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आएगा, और जो ऑड कॉम्बिनेशन बनते हैं उसका वीडियो आएगा, और सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी जो है, जो हमें अक्सर पता नहीं होती, जो गाइड हमें कर सकती है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए जॉब क्राइटेरियाज और रूल्स सेंटर और स्टेट के डिफरेंट वीडियो आएंगे, अगर आपकी इच्छा हो आप देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।